मेरा फरमाया। सवाल ये था कि दुआ दुआ कुनूत से ताल्लुक सा नमाज के ताल्लुक, कि पांचों वक्त में जो दुआ कुनूत पढ़ी जाती है लास्ट रकात में, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करें? क्या अगर हमको मतलब क्या इससे साबित है कि पांचों में क्या हम भी हाथ उठाकर दुआएं मांग सकते हैं, आमीन कर सकते हैं? कुनूते कुनूत-ए-नाज़ला के बारे में भाई नाज़िला का की बात सवाल कर रहे है। हैं शेख हाँ जी। जी 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 देखिए, हाँ देखिए भाई, कुनूत-ए-नाज़ला नाज़ला मतलब होता है कोई बड़ी मुसीबत जो मुसलमानों पर नाजिल हो, उसको नाज़ला कहा जाता है। तो अगर कोई ऐसी बड़ी मुसीबत है जो तमाम मुसलमानों पर या किसी मुल्क के तमाम मुसलमानों पर, किसी खास खित्ते के मुसलमानों पर अगर कोई मुसीबत आई हुई है, आम मुसीबत, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमें कुनूते नाजला का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूते नाजला का एहतमाम किया है। मक्का में जो लोग फंसे हुए थे, जो मजबूर और परेशान हाल लोग थे, जिनको कुफारे मक्का सताते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कुनूते नाजला पढ़ा है। इसी तरह से सहाबे कराम को कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था, बाद सहाबे कराम को ले जाकर के धोखे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ की है कुनूते नाजला पढ़ करके तकरीबन एक महीना तक। तो कुनूते नाजला अगर मुसलमानों पर कोई आम मुसीबत आई हुई है, तो ऐसी सूरत में कुनूते नाजला पढ़ना सुन्नत है, और पांचों नमाजों में आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो पांचों नमाजों में से किसी एक नमाज में पढ़ें, बस खास नहीं करना है कि हमें फजर में ही खास तौर से उसको पढ़ना है या खास तौर से ऐशा में ही पढ़ना है। ये बात जो है वाजे रहनी चाहिए कि पांचों नमाजों में से किसी भी नमाज में या पांचों नमाज में हम कुनूते नाजला पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पांचों नमाजों में पढ़ना साबित है। तो अगर आपका इमाम जमात में कुनूते नाजला का एहतमाम करता है, तो जाहिर है जब आप जमात में शामिल हैं तो आप भी उस दुआ में शामिल होंगे। आपको इमाम की इक्तदा करनी है तो आप भी उसमें शामिल होंगे, और हाथ जी उठा जी करके इमाम के पीछे आप आमीन बोलेंगे। तो शेख, लॉकडाउन से करीब करीब लॉकडाउन से ही बाद ही से पांचों वक्त में आखिरी रकात, जब फजर नमाज के बाद आखिरी नमाज आखिरी रकात होती है, तभी सजदे में जाने से पहले ये दुआ मांगते। कंटिन्यू कर रहे हैं जब से, जी, लॉकडाउन से पहले तो क्या उसका सबब क्या है? सबब होना चाहिए कुनूते नाजला के लिए। अब क्या वही है, सब दुआएं अल्लाहुम्मा फीनी फी बस ये वाला नहीं, सुबह उसका पढ़ते हैं सबब क्या जी, है सबब कुनूत क्या में? है? देखिए कैसा होता है जी ना हमें खुशनूद नहीं भाई, कोई एक मालूम। सबब होता है कुनूते नाजिला पढ़ने का, कोई एक सबब होता है, किसी तरह की मुसलमानों पर तकलीफ आ गई, किसी तरह की परेशानी आ गई। हाँ तो जी सबब क्या दुआ है? तो अरबी में है, जैसे सब फिलिस्तीन के तो बारे में दुआ बहरहाल, करते हैं हाँ देखिए फिलिस्तीन। बहरहाल, अब आपको नहीं मालूम है, अगर आपके इमाम साहब पढ़ रहे हैं और आप उस जमात में शामिल हैं, तो जाहिर है आप भी इमाम के साथ शामिल होंगे। लेकिन आइम्मा को ये बात समझनी चाहिए कि बिला सबब ऐसे कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। कुनूते नाजला का कोई सबब होता है, कोई परेशानी आई हुई है, जो उस परेशानी के लिए जो है कुनूते नाजला पढ़ी जाती है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु जी फीक। देखिए, लेकिन यहाँ पे सभी मलाई लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जो है खड़े रहते हैं जी, ज्यादा मामले नहीं, अगर आप की इमाम बात। के साथ शामिल हैं तो आपको भी पढ़ना है, आपको भी मतलब इमाम का साथ देना है, इमाम की इक्तदा करनी है।